हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार सिंह, मैथ का क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से स्फेयर चैप्टर से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर व्हिच रेडियस इज 2r। स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस 2r दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 4/3 πr³, वह आर कैपिटल आर इक्वल टू 2r। जो स्फेयर का रेडियस है वो 2r दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वी इक्वल टू 4/3 π और ब्रैकेट में 2r का होल क्यूब। तो 2r के होल क्यूब से हो जाएगा 8r का क्यूब, 8 × 4 = 32/3 πr³। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ ए स्फेयर बी हाल्व, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर विल बी रिड्यूस्ड बाई। अगर किसी स्फेयर के रेडियस को हम हाफ कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले हम वी ओल्ड वॉल्यूम ओल्ड निकालेंगे 4/3 πr³। वी एन मीन्स नया वॉल्यूम क्या होगा, आपका न्यू वॉल्यूम होगा 4/3 π r की प्लेस पर r/2 कर देंगे। r/2 मीन्स r³/8 = 24, 4/24 πr³। रिड्यूस वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा क्या कम हो रहा है, जब रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। वी ओल्ड माइनस वी न्यू, ओल्ड वॉल्यूम से न्यू वॉल्यूम को माइनस करेंगे, 4/3 πr³ माइनस 4/24 πr³। 4/3 πr³ कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ बचेगा 1, माइनस यहाँ बचेगा 1/8, 1 − 1/8 4/3 πr³ × 7/8। तो वॉल्यूम जो रिड्यूस होगा वो 7/8 टाइम्स होगा ओल्ड वॉल्यूम के, 7/8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा वॉल्यूम अगर हम रेडियस को हाफ कर देते हैं। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।